चलिए सुनते हैं कहानी मलार का बड़ा सा घर जिसे लिखा है थिरुपुरा सुंदरी सेवेल ने जिसके चित्र बनाए हैं अंकिता किनी ने और जिसका अनुवाद किया है प्रियंका गौतम ने और जिसे प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने मलार आज एक बहुत बड़ा सा घर बनाने वाली है मैं इनका प्रयोग कर सकती हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो छोटे छोटे गिलासेस जो होते हैं उनको देख रही है और कह रही है मैं इनका प्रयोग कर सकती हूँ घर बनाने के लिए मलार ने कहा मेरा घर इतना ऊंचा और इतना बड़ा होगा मलार ने गिलासों को एक के ऊपर एक रखना शुरू किया सभी गिलास गिर गए टनाटन ठड़ाम मलार ने गिलासों को उठाया और फिर से एक के ऊपर एक रखना शुरू किया अब वो एक नए तरीके से रख रही है क्या आप देख सकते हैं वो नया तरीका वो दोबारा गिर गए टन टना टन ढड़ाम मलार ने अच्छे से सोचा उसने दोबारा कोशिश की इस बार गिलास नहीं गिरे ऊंचे और ऊंचे वे बढ़ते गए तो आप देख सकते हैं पहले उसने चार गिलास रखे फिर तीन फिर दो मलार का बड़ा चमकदार घर बनकर लगभग तैयार है मलार रसोई घर की तरफ दौड़ी सभी व्यस्त हैं पापा ने पूछा तुम्हें कुछ चाहिए मलार बेटा पापा क्या आप मुझे आधा नारियल देंगे मुझे मेरे घर के लिए छत बनानी है हाँ जरूर ले लो पापा ने कहा पापा मेरा बड़ा सा घर आपको अच्छा लगा हां बहुत अच्छा ये तो बहुत सुंदर महल बन गया है धड़ 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 धम धड़ाम मलारा बागी क्या बनाएगी तो बच्चों इसी तरह से आप भी अपना खुद का महल बना सकते हैं परंतु क्या सच में हमारे घर ऐसे ही बनते हैं नहीं ना तो इस स्टोरी को सुनने के बाद नीचे भेजी हुई वर्कशीट में अपने घर में किसी बड़े व्यक्ति से जान कर लिखिए कि हमारे घर किस तरह से बनते हैं